हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पीएम रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूं। अगर फ्रेंड्स आप लोग के सुबह के नाश्ते में कुछ समझ में नहीं आता है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। फ्रेंड्स आप झटपट में इस रेसिपी को बच्चे के टिफिन के लिए बना सकते हैं बहुत ही कम सामान में और झटपट में। यह आसान रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये 100 ग्राम गेहूं का आटा है, तो अभी मैं इसको एक बाउल में ऐड कर दूंगी। और इसके साथ मैंने लिया है फ्रेंड्स ये मसाले, ये हमारे चटपटे मसाले हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चार मसाला लिया है। रंगत के लिए लिया है हल्दी पाउडर, जीरा साबुत, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला। तो अभी ये मेरे मसाले हैं, आप इसमें से कम ज़्यादा मसाला कर सकते हैं। तो चलिए इसको आटे में डाल के मिक्स कर लेते हैं। आटे के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके साथ मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल। फ्रेंड्स ये डालना ऑप्शनल, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। नहीं है तो इसके बिना भी यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अभी मैं आटे के साथ तिल को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब आटे के साथ मैं ऐड करूँगी यहाँ पे नॉर्मल दही है, ये हमारा घर का जमाया हुआ, इसको मैं इसके साथ अच्छे से डाल के मिक्स कर लूँगी। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक कप दही के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी एक कप पानी। फ्रेंड्स हमें इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है, पतला से, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला, तो हमें मीडियम में इसका बैटर तैयार करना है। तो हमें किस तरह का बैटर चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को तैयार करके इसे दिखाती हूँ। एक कप आटे के, एक कप दही के साथ मैंने एक कप पानी ऐड किया था, तो यहाँ पे मैं एक कप पानी और ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा दो कप ये पानी हो गया और एक कप दही, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर हमें पानी, हमारा बैटर इस तरह से बनके एकदम तैयार हो गया है, तो हमें इसी तरह से 100 ग्राम आटा में हमारा एक कप दही और दो कप पानी को मैंने इसमें ऐड किया है और हमारा बैटर ये अच्छे से बनके रेडी हो गया है नाश्ता बनाने के लिए। फ्रेंड तो आज का नाश्ता बहुत ही हेल्दी है ये नाश्ता फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को प्लीज अंत तक देखना ताकि इसका आप लोग नाश्ते का लुत्फ उठा सकें। फ्रेंड ये बैटर हमारा इस तरह से बनके तैयार हुआ है, तो हमें इसी तरह से बैटर चाहिए, इसमें बिल्कुल लंग्स नहीं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा नींबू। नींबू की जगह पे फ्रेंड्स आप इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू को ऐड कर रही हूँ, तो आप नींबू में से अमचूर पाउडर दो में से एक चीज आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए नींबू को इसमें बैटर में मिक्स कर लेती हूँ। मैं ऐड करूंगी एक से दो चम्मच तेल। फ्रेंड्स ये सब्जी वाला तेल है या आप कोई भी इसमें तेल ऐड कर सकते हैं। इसमें कि मैं अच्छे से इसमें बैटर में मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं बैटर में ऐड करूँगी ये कस्तूरी मेथी है, हरी धनिया है, तो इसको इसमें डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बैटर हमारा नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब इसके साथ मैंने और क्या लिया है फ्रेंड वो देख लेते हैं। इस नाश्ता को हेल्दी बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है आलू। ये मैंने आलू को धुल के इस तरह से इसके स्लाइस कर लिए हैं, तो हमें इसका एकदम से पतली स्लाइस चाहिए जिस तरह से आप लोग को वीडियो में दिख रहा है। तो हमें इसकी बहुत पतली स्लाइस कट करना है ताकि यह नाश्ते में अच्छे से पक सके। तो चलिए अब बैटर में मैं ऐड करूंगी यहाँ फ्रेंड्स मैंने लिया है ये हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है। अगर आपके बच्चे तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें से दोनों चीज ऐड कर सकते हैं। अगर तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप सिर्फ हरी मिर्च अकेले डाल सकते हैं, लाल मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को खुद को नाश्ता बना के खाना है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको जितना भी चटपटा खाना है आप उसी के अनुसार तीखा इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं नाश्ते को बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके इसमें दो चम्मच तेल डाल दिया फ्रेंड्स। आज मैं इस नाश्ते को बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी, तो आप लोग यहाँ पे हमारा तेल ये देखिए अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने ये जो आलू की स्लाइस काटी है फ्रेंड्स इसको मैं अच्छे से इसमें पैन में सेट कर दूंगी। तो चलिए अच्छे से मैं इसे सेट कर देती हूँ। सेट कर दिया है, इसमें मैं एक से दो चम्मच फिर ऊपर से तेल डाल देती हूँ और जो मैंने ये बैटर बनाया था फ्रेंड्स मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमें अच्छे से पैन में इसको पतला एकदम से सारे आलू के ऊपर डाल देना है, यानी आलू को अच्छे से कवर कर देना है। तो मैंने पैन में अच्छे से बैटर को डाल के ढक दिया है आलू को। अभी मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर इसे पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये नीचे से ऊपर तक अच्छे से भाप से पक जाए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद।
चलिए फ्रेंड 5 मिनट हो गया, खोल के देख लेती हूँ। हमारा ये नाश्ता नीचे से पक गया होगा और ऊपर से भी देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा से आगे पीछे करके इसको मैं पलट लेती हूँ। इसे मैं पैन को उतार के फिर एकदम इसको मैं प्लेट में अच्छे से पलट लेती हूँ। तो चलिए हमें इसे पैन को उठा के फ्रेंड इसे ऐसे पलट देना है। ये देखिए तो यहाँ पे मैंने नाश्ते को पैन इस प्लेट में निकाल लिया फ्रेंड। इसे मैं पैन में फिर थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाल के फिर मैं दूसरी तरफ इसको हल्का से पका लेती हूँ। तो चलिए हल्का से मैं इसको फिर पैन में पका लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पैन में तेल डाल दिया है और इसे प्लेट से ऐसे मैं दोबारा फिर इसे में सेट कर दूंगी। ये दूसरी तरफ भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए मैंने पैन में दूसरी तरफ से 2 चम्मच तेल डाल के इसको सेट कर दिया है। ये हमारा दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। तो मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमें पैन को थोड़ा फ्रेंड्स ऐसे आगे पीछे करके इसको देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, आगे पीछे करके हमें इसे अच्छे से पका लेना है। और उसके बाद इसको प्लेट में ऐसे ही हमें किसी चीज से नहीं निकालना है पलसुलसुला से, हमें सिर्फ ऐसे ही प्लेट लेना है और ऐसे ही पैन से हमें प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए मैं एक दूसरी तरफ भी इसे मिनट के लिए फ्रेंड इसे मैं दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड 5 मिनट हो गया है दूसरी तरफ भी हमें इसे पलटे हुए। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स दूसरी तरफ से भी हमारा ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो चलिए अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पैन में से प्लेट में इसको निकाल लिया है। बिल्कुल देखिए कितना अच्छा हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग इसे बच्चे के टिफिन में बना के दे सकते हैं या अपने लिए भी सुबह शाम के नाश्ते में आप लोग बना के खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड ऐसे ही मैं और सारे नाश्ते को बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने फिर वापस पैन को रख दिया है और सारी आलू को फिर मैं सेम ऐसे ही रख दूंगी। तो जैसे पहले नाश्ता मैंने बनाया था सेम ऐसे इसको भी मैं बनाऊंगी। तो चलिए आलू को अच्छे से सेट कर लेते हैं नाश्ते को। अब इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैं तेल फिर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा नाश्ता भी अच्छे से पैन में सेट कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा नाश्ता भी अच्छे से सेट हो गया है। चलिए अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नाश्ता बना के पूरा। फ्रेंड 5 मिनट हो गया है, दूसरा भी नाश्ता खोल के मैं देख लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा इसका कलर आया है, नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। तो हमें इसे आगे पीछे थोड़ा पैन को कर देना है। पैन को करने के बाद हमें, अगर आप लोग इसमें से इसको पलटना चाहते हैं, अगर नहीं पलट पा रहे हैं तो आपको इसको पलटने की जरूरत भी नहीं है फ्रेंड्स। आप ऊपर से तेल को ऐसे अच्छे से ग्रीस कर दीजिए नाश्ते के ऊपर और इसे फिर आप 5 मिनट के लिए ढक के पका लें। ये देखिए फ्रेंड ऊपर से मैंने अच्छे से तेल को लगा दिया है और इसे मैं 5 मिनट के लिए फिर ऐसे ढक के पका लूंगी, फिर उसके बाद मैं नाश्ते को आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का ये चटपटा नाश्ता फ्रेंड मैंने देखिए सर्व कर लिया है। देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है, इसका कलर और टेस्टी इतना है खाने में तो पूछो ही मत फ्रेंड। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपके घर में तो गेहूं के आटा तो सभी के घर में रहता है, तो आप लोग गेहूं के आटा से इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया ये नाश्ता बन के तैयार हुआ है। दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों तरफ से ये बहुत अच्छे से पक गया है फ्रेंड। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आज यह आलू और गेहूं की रेसिपी आप लोग को कैसे लगी? अगर बच्चों की टिफिन की रेसिपी आप लोग को पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वाच।